और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन आज के सुबह वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीम के सिलसिले को जारी रखने का जो फैसला हुआ है और जो कुछ अरसे से गर्दिश कर रही थी बातें उसकी नफी करके तालीम दोस्ती का सबूत दिया है। हम इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और तमाम वज़रा तालीम को मुबारकबाद देते हैं और ये समझते हैं कि अब जब ये वाजह हो चुका है कि तालीमी इदारे खुले रहेंगे, तदरीस का सिलसिला जारी रहेगा, तो ये बहुत खुश आइंद है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो अनसर्टनिटी क्रिएट कर दी गई है पेरेंट्स में, बच्चों में, टीचर्स में, उसको भी खत्म किया जाना चाहिए। वालदैन से भी दरखास्त करूंगा कि जो रेगुलर है बच्चों की क्लासेस वो जारी रहेंगी, आप बच्चों को रेगुलर करें। इस वक्त बदनसीबी ये है कि 50% से ज्यादा हमारे बच्चे और टीचर जो हैं वो तालीमी इदारों में वापस नहीं आए। ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमें अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, असातिज़ा को, इदारों को एतमाद देना है, जिसमें मेरी ये भी हम्बल दरखास्त है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब आपसे और आर्मी चीफ जनाब और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं कि आप खसूसी तौर पर जो हमारे सियासी इज्तम हो रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट के भी खुद से भी इसमें बड़े जोर शोर से इज्तम हो रहे हैं उस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये पाकिस्तानी बच्चे, ये अवाम, हमारे शहरी, ये सब इनकी कीमती जाने बहुत हम सब के लिए अहम है। लिहाजा अपनी जिम्मेदार होने का सबूत दें और पाकिस्तान को महफूज बनाएं। तालीमी इदारे वो वह जगह है जहां पे SOPs का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है और बच्चों टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा अगर महफूज कोई जगह है तो वो इसे तालीमी इदारे हैं जहां पे SOPs का भी इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों को आगाही हो रही है, पेरेंट्स को, टीचर्स को हो रही है। तो ये खुश आइंद है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये महफूज जगह है और हुकूमत ने सरपरस्ती फरमाई है और तालीम का सिलसिला इंशाल्लाह बरकरार रहेगा, जारी और सारी रहेगा। जरूरत है आप सबके इत्मीनान की, पाकिस्तान को महफूज बनाने की। बहुत शुक्रिया।